हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते का करंट अफेयर, जिसमें हम जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा हमसे वही करंट अफेयर देखेंगे और इसे हम डिस्क्रिप्शन फॉर्म में देखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने, यानी कि ये मैच कल ही हुआ है 19 नवंबर को, और ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता है भारत को हराकर। तो आईसीसी वनडे कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था, भारत को 6 विकेट से हराया था। और कंगारू टीम यानी कि ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार वनडे क्रिकेट में विश्व कप चैंपियन बनी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 6 बार विश्व कप का खिताब जीता है, अपने नाम किया है। आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 की विजेता ऑस्ट्रेलियाई टीम को कुल 33.31 करोड़ रुपए की राशि प्राइज मनी के तौर पर दी जाएगी, और वहीं रनर अप रहने वाली भारतीय टीम के को 16 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अभी तक जो आइस मतलब जो ऑस्ट्रेलिया ने जो 6 बार विश्व कप का खिताब जीता है, तो वो कब कब जीता है? तो सन 1987 में जीता था पहली बार, उसके बाद जीता सन 1999 में, उसके बाद कंटिन्यू 3 ईयर जीता है, मतलब 1999 के बाद आ जाएगा 2003, उसके बाद 2007। तो ये कंटिन्यू 3 बार जीता है आईसीसी का खिताब, और उसके बाद जीता था 2015 में, ये 5 बार होगा, और उसके बाद अभी जीता है 2023 में। तो कुल 6 बार अभी तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आईसीसी का खिताब, वनडे विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली जो है वो आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ जैसे ही शतक पूरा किया, इतिहास रच दिया। विराट कोहली का यह वनडे में 50वां शतक था, जो अभी तक 50वां शतक था। वह वनडे में 50 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो ये अभी तक के पहले बल्लेबाज बन गए इनके 50 शतक पूरे करने के बाद। उनके पहले सचिन तेंदुलकर के नाम था। अब सचिन तेंदुलकर के नाम अभी तक 49 शतक का रिकॉर्ड था, जो अभी तक सबसे ज्यादा था पूरे दुनिया में। लेकिन अब ये खिताब विराट कोहली ने अपने नाम किया है 50वां, और ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किसके खिलाफ किया है, तो न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ उन्होंने अपना 50वां शतक जो है वो लगाया है। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? तो चाइना ने अभी हाल ही में चाइना ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च कर दिया है, और इसकी स्पीड जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसकी स्पीड जो है वो है 1.2 टेराबाइट। यह जो इंटरनेट होगा जो अभी लॉन्च किया है, वह 1.2 टेराबाइट प्रति सेकंड, 1.2 टेराबाइट प्रति सेकंड की स्पीड देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में APEC एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ अमेरिका में। एपेक का फुल फॉर्म देखें तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो ये अभी 2023 वाला ये हुआ है सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ये अभी आयोजित हुआ था, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है, और इसको हिंदी में बोलते हैं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। और यह जो हुआ था वह एपेक की बढ़ती परस्पर निर्भरता का लाभ उठाने के लिए से सन 1989 से 1989 से में स्थापित यह एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है, यानी कि जो अपैक है इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1989 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि एशिया प्रशांत की बढ़ती परस्पर निर्भरता का लाभ उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो डायना इडुलजी है, भारत की पूर्व क्रिकेट कप्तान है, भारतीय महिला टीम की कप्तान रही, और बाद में क्रिकेट प्रशासक भी बनी डायना इडुलजी। उन्होंने आईसीसी द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा कि हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनना सम्मान की बात। उन्होंने जो है वो 1976 से सन 1993 के बीच भारत के लिए कुल 54 मैच खेले और 100 से अधिक विकेट लिए थे। तो डायना इडुलजी किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये क्रिकेट से संबंधित है, पूर्व क्रिकेटर रही है ये।
और उन्हें अभी हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और वह भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? तो 15 नवंबर को, 15 नवंबर को जो है वो बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई जाती है, हम सभी जानते हैं बिरसा मुंडा जयंती। तो बिरसा मुंडा को जिन्हें पूरे भारत में आदिवासी समुदायों द्वारा भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है, और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने रांची में एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की भी स्थापना की थी, और इस संग्रहालय का जो उद्घाटन हुआ था वह 15 नवंबर 2021 को किया गया था। इस संग्रहालय का उद्घाटन मतलब रांची के, झारखंड के रांची में, और जो 2021 में जब इसका उद्घाटन हुआ था तो तब पहले पहला जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया था, और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को मान देने और उनकी स्मृति के लिए 2021 से जनजातीय गौरव दिवस पूरे देश में उत्साह उमंग के साथ मनाया जाता है। यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी जनजातीय गौरव दिवस मनाने की, तो 2021 से हुई थी, और उसी समय 2021 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने रांची में एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी उद्घाटन किया था। तो हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फुट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है शीतल महाजन। ये है शीतल महाजन। तो भारत की प्रसिद्ध स्काई ड्राइवर शीतल महाजन ने माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली है दुनिया की पहली महिला बनकर एक नई उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ की गई? तो नई दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत की गई। ये था, ये 42वें नंबर का था, 42 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। इसके जो मेला शुरू हुआ था वह 14 से 27 नवंबर के बीच में होगा, ये आयोजित नई दिल्ली में, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। एमएसएमई पवेलियन का उद्घाटन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। इस वर्ष 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एमएसएमई मंडप भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई एमएसएमई मंत्रालय की प्रमुख योजना पीएम विश्वकर्मा थीम पर आधारित है। तो ये जो 42 नंबर का मेला था दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होगा, मतलब अभी चल रहा है, 14 से 27 नवंबर तक ये आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समान, इधर समान आना चाहिए, समान, हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तराखंड। पहले हम जान लेते हैं ये समान नागरिक संहिता क्या होती है। तो समान नागरिक संहिता एक रूपता से नहीं भेदभाव खत्म करने से होगा, महिला सशक्तिकरण समान नागरिक की मुहिम, मतलब इसमें एक रूपता, समान नागरिक जो संहिता है देश में, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की राह पर चलने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। देवभूमि की विधानसभा इस कानून के मसौदे यानी कि विधेयक पर चर्चा करने को तैयार है। हालांकि कानून के आज की राय में कानून को आज की राय में राज्य को ऐसा अधिकार संविधान में नहीं है, लेकिन विधानसभा अपने दायरे में रहकर कितना कर सकती है उसकी लक्ष्मण रेखा भी इसके जरिए तय होगी। मतलब सभी के लिए इसमें समान अधिकार होगा कानून को लेकर, इत्यादि को लेकर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत किस देश से एंगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीद रहा है? तो रूस के साथ। रूस ने भारत को अपनी एगला एगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें की आपूर्ति करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि भारत किससे ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीदेगा? तो रूस से। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सलमान रुश्दी को पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, और भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को 14 नवंबर 2023 को, 14 नवंबर 2023 को मैनहट्टन, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में वैक्लेव हैवल सेंटर द्वारा प्रस्तुत पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड दिया गया था। तो ये था इस हफ्ते का करंट अफेयर। आई होप आपको पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।